हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है हिमाचली ब्यूटीफुल लाइफ। मैं हूँ रंजना और इधर मेरी गुड़िया दूध पी रही, साथ में फ़ोन देख रही है। तो शाम का टाइम है। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी एक प्यारी सी रेसिपी शिमला मिर्च की। यूनिक तरीके से बनाई है मैंने, पहली बार बनाई है। वैसे पता नहीं किसी ने बनाई होगी कि नहीं बनाई होगी, काफ़ी लोगों ने उस तरीके से, बट मैंने पहली बार बनाई है। तो चलो सोचा कि शेयर करती हूँ आपके साथ वो वाली टेक्निक। तो चलो चलते हैं, ज़्यादा देरी ना करते हुए करते हैं अपनी वीडियो को शुरू। तो यहाँ देखिए गुड़िया ब्रेक आ गई है ना, ब्रेक फोन पे। तो बरसात शुरू हो गई है और देखिए यहाँ हुमस बहुत ज़्यादा। तो चलिए चलते हैं। तो देखिए इधर हमने ये शिमला मिर्च ले ली थी, ये एकदम ऑर्गेनिक शिमला मिर्च है, हमारे घर की शिमला मिर्च है। और ये है बेसन का घोल। आप हैरान होंगे कि बेसन का घोल क्यों लिया है। बाकी देखिए यहाँ उबले हुए आलू है और ये प्याज कटा हुआ, और साथ में थोड़ा सा मैंने यहाँ पे मैंगो लिया था, कच्चा मैंगो। बाकी यहाँ पे तेल गर्म करेंगे, उसमें डालेंगे हम धनिया के जो दाने होते हैं, कोरिएंडर सीड्स, वो डालेंगे। उसको अच्छे से पकाने के बाद उसमें हम जो मैंने यहाँ पे चॉप किया कर रखा है प्याज, वो डालेंगे। देखिए मैंने इसे मिक्सी में अच्छे से इसकी पेस्ट नहीं बनाया, थोड़ा इसे मतलब दरदरा रखा है प्याज को, इस तरीके से मतलब अच्छा लगता है। पेस्ट बना देंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसे अच्छे से पका लेंगे। अच्छे से भूनने के बाद हम इसमें फिर ऐड कर देंगे अपने ड्राई स्पाइसेस, जैसे कि ये मैंने मिर्च और जो लाल मिर्च होती है वो, और इसमें सूखा धनिया ऐड कर रखा है, वो डाला है इसमें अकॉर्डिंग टू टेस्ट। जितना आपको तीखा पसंद है उतना डाल दीजिए। बाकी यहाँ नमक भी हम अकॉर्डिंग टू टेस्ट ही ऐड करेंगे, आपको जितना मतलब नमक खाते हो आप अपने खाने में यूज़ करते हो उतना। बाकी हम यहाँ पर हल्दी डाल देंगे इसे अच्छे से पकाने के बाद, उसमें फिर अच्छे से पकाएंगे ताकि जो हल्दी का फ्लेवर है वो कच्चा ना आ रहे, क्योंकि ये हमारे घर की हल्दी है। तो इसे अच्छे से पका देंगे। उसके बाद हम जो मैंने यहाँ पे आलू उबाले थे और इसे मैश कर दिया था वो डालें। आलू इसमें ऐड करने के बाद आलू को भी अच्छे से मसाले में मिक्स कर देंगे, मतलब अच्छे से भूनेंगे ताकि जो सारा फ्लेवर है, जो यहाँ मैंने उबले हुए आलू है इनके अंदर अच्छा सा फ्लेवर आ जाए, जो मसालों का फ्लेवर है। तो देखिए यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर दिया है मैंने आलू को। आप इसमें हम जो मैंने आम था वो कच्चा आम, इसे भी मैंने जो कटर था चॉप कटर, चिली कटर था, उसमें मतलब अच्छे से वो कर लिया था, पीस लिया था, तो वो भी इसमें ऐड कर दिया और अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे। और देखिए हमारा मसाला बन के तैयार हो चुका है। अब हम लेंगे शिमला मिर्च, इसको बीच में से ऐसे कट लगा के, और बीच में जो इसके बीज वगैरह है सब निकाल देंगे, और जो इसका पल्प है वो सब निकाल देंगे और बीच में से पूरी खाली कर देंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे सारे शिमला मिर्च ऐसे ही बीच में से खाली कर ली है, और यहाँ जो मैंने मसाला बनाया था इसे थोड़ा ठंडा करने के लिए रख लिया है, क्योंकि मैं हाथ से भरूँगी। आप चम्मच से भी भर सकते हैं बट मैं हाथ से भरूँगी, हाथ से भरना मेरे लिए कम्फर्टेबल ही है। तो हाथ को अच्छे से वॉश करेंगे फिर मतलब भरेंगे मसाला। बाकी देखें यहाँ पे जो शिमला मिर्च है उनको हम फ्राई करेंगे, डीप फ्राई नहीं करेंगे, शैलो फ्राई ही करेंगे, बट तेल थोड़ा ज़्यादा ही डालेंगे। बाकी देखें यहाँ पे जो मैंने बेसन था घोल बनाया था, उसमें हम ऐड कर देंगे हल्दी पाउडर, उसके बाद नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट, हमने मसाले में भी नमक डाला है तो आप ध्यान से नमक डालना। फिर मैंने यहाँ जो मिर्च और धनिया पीस रखी है वो डाला है। देखो ज़्यादा मसाले में डालती नहीं हूँ अपनी सब्ज़ी में, थोड़े से मसाले डालती हूँ। तो देखिए यहाँ मैंने शिमला मिर्च को ऐसे हाथों से भर, पहले मैंने चम्मच से ट्राई किया था, चम्मच से अच्छे से भर नहीं जा रहा था मेरे से, फिर मैंने अपने हाथों से इसे अच्छे से भरा। और देखिए शिमला मिर्च फटाफट से भर रहे हैं, मैं दिखा रही हूँ आपको कैसे भर रही थी मैं। अब जितना मसाला है आप उस हिसाब से भरना शिमला मिर्च में मसाला। तो मेरा पूरा मसाला मतलब जितनी शिमला मिर्च थी सारा मतलब लग गया था मसाला, ज़रा भी नहीं बचा था। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने सारे शिमला मिर्च भर ली हैं अच्छे से। उसके बाद हम क्या करेंगे, बारी बारी से जो तेल गर्म हो चुका है हमारा, हम ऐसे बेसन में डिप करेंगे इसे, ताकि जो हमारे आलू हैं वो बाहर ना निकल जाए। कई बार क्या होता है मेरे साथ, हमेशा ऐसे होता है जब भी मैं शिमला मिर्च बनाती हूँ ना भरवा शिमला मिर्च, क्योंकि जो करेले होते हैं हम उन्हें तो धागे से बांध लेते हैं, बट जो शिमला मिर्च है ये मतलब पकने के बाद एकदम से लिचपिची हो जाती है, तो आलू सारे बाहर आ जाते हैं और अदल बदल भी नहीं सकते क्योंकि आलू बाहर निकल जाते हैं, तो इससे अच्छा रहता है। देखिए यहाँ पे सारी मैंने शिमला मिर्च ऐसे मतलब जैसे आपको बताया था वैसे करके सारे डाल दिए हैं, अब इसे अच्छे से पकने देंगे। क्या गिराई क्यों ये नीचे, क्यों गिराई नीचे ये?
यहाँ पे देखिए गुड़िया जो अपने घोड़े को नमकीन खिला रही थी, यहाँ पे पंजाबी तड़का आप देख सकते हैं, अपने मुंह में भी डाल रही थी, उसके मुंह में भी डाली जा रही थी, उसे भी खिला रही थी, खुद भी खा रही थी। तो ये अपने एंजॉय कर रही थी, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, हम अपने यहाँ पुराने घर के पास बैठे हुए थे। और आप यहाँ पे वेदर देख सकते हैं कैसा है, बेशक बरसात है बट हुमस बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे मैं और गुड़िया मज़े कर रहे थे, साथ में खाना बना रहे थे। यहाँ पे देखिए हमारी शिमला मिर्च अच्छे से पक के तैयार है। अब हमें मतलब जो शिमला मिर्च को पलटना पड़ेगा दूसरी साइड, तो हम इसे एकदम ध्यान से पलटेंगे, क्योंकि जो शिमला मिर्च है काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है पकने के बाद। और पहली बात यह है कि जब हम इसे फर्स्ट टाइम पलटेंगे तो जो नीचे बेसन होता है वो हल्का सा चिपका हुआ होता है, तो अगर हम इसे ध्यान से नहीं पलटेंगे तो बेसन चिपका रह जाएगा और गर्म मसाला जो है सारा तेल में बिखर जाएगा। तो हम इसे आराम से धीरे से और पलटेंगे, बारी बारी से कुक करेंगे, मतलब कच्चा तरफ ना रहे कोई भी, मतलब एक साथ चारों तरफ से हम इसे घुमा घुमा के पलटेंगे। कच्ची होगी तो खाने में टेस्टी नहीं लगेगी, कच्चापन आएगा शिमला मिर्च का। और ये हमारे घर की शिमला मिर्च है वैसे भी, तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनती है। बस यहाँ देखिए मेरी शिमला मिर्च पक के तैयार है, देखिए ये है इसका फाइनल लुक, काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस बनी थी। और देखिए यहाँ पर जो थोड़ा सा बैटर बच गया था बेसन का, उसमें मैंने प्याज और हरी मिर्च डाल के, नमक वगैरह डाल के उसमें मैंने क्या किया था, बेसन की रोटी बना ली। तो देखिए जो तेल बचा था उसी में डाल दी मैंने, और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनी थी ये वाली रोटी भी। तो देखा आपने रेसिपी कैसे बनाई मैंने शिमला मिर्च, तो आप भी ट्राई करना, बताना मेरे को। तो ठीक है गाइस, बताना आपको कैसी लगी ये वाली रेसिपी। तो मिलती हूँ आपसे मैं अपने अगले ब्लॉग में। तो देखिए जो नए हैं इस चैनल पे, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कीजिए, अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कीजिए, और जो रेसिपी है वो ट्राई ज़रूर करना। बाकी मिलती हूँ आपसे मैं अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।